दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। सीलमपुर से शास्त्री पार्क, प्रीत विहार से आईटीओ, मयूर विहार से अक्षरधाम, सरायकाले खां से आश्रम तक लंबा जाम देखा जा रहा है। वही जखीरा फ्लाईओवर पर भी पानी में 5 बसें फंसी हुई हैं। बारिश की वजह से दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी जाम है। गुरुग्राम के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग जाम से जूझ रहे हैं। पिछले दिनों भी गुरुग्राम में 23 घंटे तक लोग जाम में फंसे हुए थे और आज भी गुरुग्राम के सेक्टर 4 समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। ऐसा ही हाल एनसीआर के दूसरे महत्वपूर्ण इलाके इंदिरापुरम का भी है। यहाँ भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते हैदराबाद के मुर्शिदाबाद इलाके में मकान की दीवार गिर गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गाजियाबाद के सेक्टर 23 में दीवार गिरने से 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं नोएडा सेक्टर 11 में पानी भरा हुआ है। इस इलाके में स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के बीच ट्रैफिक जाम की वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी का दिल्ली की जामा मस्जिद जाने का दौरा रद्द कर दिया गया है। लोगों के लिए मुश्किल ये है कि मौसम विभाग ने आज पूरे दिन और कल भी बारिश का अनुमान जताया है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने 2 दिन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। देखते रहिए डीबी लाइव।